अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, जी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मैं और मेरी मियाँ आपको आज वीडियो में नजर आ रहे हैं। हम पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर चेक करें और अभी हम कुछ देर देंगे, फिर माहिर आ जाएंगे, फिर बाकी की रूटीन आप सबसे शेयर करें। माहिर आली यार जा रहे हैं अभी स्कूल, 8 बज रहे हैं और इन्हें हम स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मेरे मियाँ भी, मैं भी उतर रहे हैं नीचे, सीढ़ियों से तैयार हो गए हैं। मैं भी अभी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। चले माहिर, आधे से खेलना शुरू कर दिए। चले ओके, अल्लाह हाफिज, में जा रही हूँ। मियाँ के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, रात टाइम नहीं मिला था, नहीं कर सकी क्योंकि माहिर आले यार अभी स्कूल चले गए हैं, उन्हें अभी स्कूल छोड़ के आए हैं। और फिर मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद फिर जो घर की रूटीन होती है वो फिर सारी सेट करनी होती है। फिर ये जी आइसक्रीम वाला आया हुआ है बाहर, और अभी दिल कर रहा था कि आइसक्रीम खाएं क्योंकि बच्चे नहीं हैं बैठे, अगर बच्चों को खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर गला ख़राब, ज़ुकाम होता है इसी वजह से। दो है ना इसमें, ठीक है जी। सही, कैसे है? अच्छी है, अच्छी है। चले आज मौसम भी अच्छा है और ये ज़्यादा अच्छी है, मैं खा लूँ थोड़ा सा, ये ले लूँ इसमें से? ले लें, मैंने तो आपसे कहा है आप इसमें से हाफ हाफ खा लें। ये कैसे है, इसका टेस्ट कैसे? ये ज़्यादा अच्छी है ना? आपने ले ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा है आधी आप खा लें आधी मैं खा लेती हूँ, शेयर करते हैं ना दोनों। राजस्थानी चिकन जो बन रहा है उसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा जी आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी भिगो के इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि ये मसाले अच्छे से फूल जाएँ। और इसमें जाएगा 1 चम्मच इमली और इसका पेस्ट जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी भिगो के रख देती हूँ और इसका पल्प जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और जी इसमें जाएगा आधा चम्मच कलवंजी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी सौंफ और आधा ही चम्मच मैं लूंगी इसमें सूखा धनिया। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं राजस्थानी डिश में अभी शामिल होंगे चिकन में। और कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। जैसे ये चिकन थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू इसने कर दिया है तो मैंने इसमें ये चारों चीज़ें जो है ऐड कर दी हैं, कलवंजी, ज़ीरा, सौंफ और खुश्क धनिया, ये तमाम चीज़ें आधा आधा चम्मच है। और मैं कुछ देर इसको अभी फ्राई करूँगी, भूनूंगी अच्छे से। चिकन मैंने इन तमाम मसाले के साथ भून लिए, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें 4-5 अदद सब्ज मिर्चें ऐड की हैं, अदरक मैंने इसमें ऐड की है बारीक बारीक कटा हुआ, और इसमें मैंने जो इमली का पेस्ट रखा था भिगो की इमली को वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, वो मसाला जो मैंने भिगो के रखा था नमक मिर्चें और हल्दी का वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल गए और राजस्थानी चिकन जो है वो बन के अब तैयार हो गए। बाबा आ गए स्कूल से, आ गए ये क्या बैग बाबा जी के हाथ में दे दिए? बाबा आ गए स्कूल से? माहिर कैसा था आज का दिन? आज सेकंड डे था माहिर का स्कूल में, तंग तो नहीं किया था?
प्यास लगी आपको? या उधर है, अभी तो नहीं आया। कब? अपनी मम्मी के घर गए है, जैसे आप जाते ना अपनी मम्मी के घर। आलियार ने और माही ने भैया को मीठी कर लिए, ऐसे बाबा भैया को मिल लिए। उस्मान भैया आ गए घर, भैया आ गए।